हेलो दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे मोतीचूर के लड्डू, जिसे हम घर पे बनाएंगे और अपने घर के बहुत ही कम चीजों से, तीन चीजों से इसे बनाकर तैयार करेंगे। और ये रेसिपी तो बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। इसमें आपको सच में ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और बहुत ही कम समय में इसे आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसे आप एक बार जरूर ट्राई करें। फिर दोस्तों चने में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हमने एक बाउल लिया है, इसमें डालेंगे 1 कप चने की दाल। इसे क्या करेंगे, इसे हम 2 से 3 घंटे पहले भिगो कर रखेंगे। इसमें हम डालेंगे पानी। अगर आपको दिन में बनाना है तो आप इसे रात में भी भिगो कर रख सकते हैं। तो हम इसको पहले अच्छे से वॉश कर लेंगे 2 बार या 3 बार, उसके बाद इसका पूरा पानी अलग कर देंगे। उसके बाद इसमें हम सादा पानी अलग से डालेंगे। यहाँ पर जो पानी हम यूज कर रहे हैं तो गर्म पानी यूज कर रहे हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे ज्यादा देर तक भिगो कर रखें। इसे हम कवर कर देंगे और इसे साइड कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 से 3 घंटे हो चुके हैं, हमारी दाल पूरी तरीके से अच्छे से भीग गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका पूरा पानी अलग कर देंगे। तो यहाँ पर हमने एक जाली का बर्तन लिया, इसमें हम पूरी दाल डाल देंगे और इसी तरीके से इसका पूरा पानी अलग कर देंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने दाल का पानी पूरी तरीके से अलग कर लिया। अब इसे हम एक जार में डालेंगे और इसे पीसेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जार लिया है, इस जार में हम दाल को डाल देंगे और डालने के बाद इसको कवर कर देंगे। अब इसे हम मिक्सी में चलाएंगे और इसे हम दाल को पीसेंगे। जब हम दाल को पीसते हैं तो एक बार में हमारी दाल नहीं पीसी जाएगी, इसे हम वापस से निकालेंगे। और इसे आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने वापस से निकाला और इसे हम चम्मच से चला लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसे हम वापस से पीसेंगे, क्योंकि इसमें पानी भी नहीं है ना, तो थोड़ा लेट में पिसाएगी। इसे हम वापस से चला देंगे, उसके बाद क्या होगा, हमारी दाल अच्छे से पीस जाएगी। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें मगर एक दो जैसे दाल खड़ी भी रह जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब हमारे लड्डू उससे भी बहुत अच्छे बनेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी दाल पूरी तरीके से बारीक हो चुकी है, इसको हमने पीस लिया है। अब हम क्या करेंगे ना, फ्लेम पे एक पैन रखेंगे और इसमें डालेंगे घी। तो यहाँ पर हम बहुत कम घी में इसको बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने घी थोड़ा ज्यादा ही डाला है। तो घी हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम पकौड़े डाल देंगे। तो अभी आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि इसे हम बहुत कम घी में बनाकर तैयार करेंगे और यहाँ पर हमने घी ज्यादा डाला है, तो ये जो हमने घी ज्यादा यूज किया ये पूरा घी बच जाएगा। अभी हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम पकौड़ों को तलेंगे तब तक जब तक इसे फ्राई करेंगे, जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते हैं। और इसे हम पूरी तरीके से अच्छे से कर लेंगे। तो इसमें हम बहुत कम इसे सूजी बनाकर तैयार करेंगे। अभी आप यहाँ पर देखना किस तरीके से हमने इसको सूजी बनाकर तैयार किया है, और बहुत ही कम समय लगता है और बहुत ही एक नया तरीका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कैसे हमने इसको बनाया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अभी इसे हम निकाल लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी हमने इसमें कुछ भी नहीं यूज किया, फिर भी हमारे पकौड़ों का कलर कितना अच्छा है। तो जो हमारी दाल बची हुई इसको क्या करेंगे ना, उसको हम वापस से इसी तरह तल लेंगे, फ्राई कर लेंगे। तो एक एक करके सारे पकौड़े डाल देंगे हम। सच में इसमें बहुत कम समय लगता है, अगर आप इसे एक बार बनाएंगे तो इसे बार बार बनाते रह जाएंगे, क्योंकि इतनी आसान रेसिपी है ना, बहुत ही आसानी से इसे हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे दूसरी बार के भी गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो उनको भी हम निकाल लेंगे। हमें यहाँ पे कोई टिश्यू पेपर यूज करने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही नॉर्मल प्लेट में निकालेंगे। और यहाँ पे ठंडे होने के लिए क्या करेंगे ना, इसे हम तोड़ देंगे, तो इससे हमारे जल्दी पकौड़े ठंडे हो जाएंगे। तो हम पूरे पकौड़ों को पूरी तरीके से तोड़ देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने जैसे तोड़ा है, इसे हम वापस से जार में डालेंगे और इसे हम वापस से पीसेंगे भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जार में पूरे डाल दिया है और अब इसे हम कवर कर देंगे। कवर करने के बाद इसे जब हम पीसेंगे ना, तो इसे हम एक बार भी नहीं पीसेंगे, इसे हम धीरे धीरे चलाएंगे ताकि पूरी तरीके से पहले सेट हो जाए और उसके बाद इसको हम चला देंगे तो एक बार में ही पीस जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक बार में ही चलाया और पूरी तरीके से हमारा बेसन तैयार हो चुका है। अब इसको हम साइड कर देंगे। और यहाँ पर हमने हरी इलायची ली है और हमारी इलायची को कूटेंगे। यहाँ पर हमने 5 हरी इलायची ली है, और जो हरी इलायची को कूटेंगे ना, तो इसका छिलका अलग कर देंगे, क्योंकि हमें छिलके की जरूरत नहीं है, हमें इस बीज की जरूरत है। तो बीज हम निकालेंगे और छिलके को अलग कर देंगे और बीज को अच्छी तरीके से कुटाई कर लेंगे। यहाँ पर हमारी इलायची भी कूट गई, इसे हम साइड कर देंगे और फ्लेम पे रखेंगे कढ़ाई। और जो हमने दाल का बेसन बनाकर तैयार किया है ना, उसे हम क्या करेंगे ना, उसे हम थोड़ी देर के लिए भुनाई कर लेंगे। इसमें जो भी कच्चापन है थोड़ा बहुत, उसे हम निकाल देंगे और इसे हम थोड़ी देर के लिए भुनाई करेंगे। कम से कम इसे 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे करेंगे। और जब हमारी बेसन की भुनाई हो जाएगी तो इसमें एक अच्छी सी खुशबू आएगी। उसके बाद आप यहाँ पर समझ लेना कि बेसन हमारा पूरी तरीके से भुन चुका है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा बेसन भुन चुका है, इसे हम एक प्लेट पे निकाल लेंगे या हम कढ़ाई में ही रखा रहने देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे ना, हम फ्लेम पे वापस से एक कढ़ाई रखेंगे
और इसमें 1 कप हम चीनी डालेंगे। अगर आपको ज्यादा मीठा बनाना है तो आप ज्यादा भी डाल सकते हैं। और उसके बाद इसी कप से हम पानी डालेंगे, तो यहाँ पर पानी हम थोड़ा ज्यादा ही डालेंगे क्योंकि जब चने की दाल से हम लड्डू बनाते हैं तो उसमें पानी थोड़ा ज्यादा लगता है। और यहाँ पर क्या करेंगे ना, हम शक्कर को पिघलाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पर चाशनी, पूरी तरीके से चाशनी बनाकर नहीं तैयार करना है, सिर्फ शक्कर को पिघलाना है। और 1 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पर शक्कर भी पिघल जाएगी। उसके बाद इसमें हम डालेंगे फूड कलर, उससे बहुत अच्छा कलर आता है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमें तो बहुत पसंद है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका कलर माशाल्लाह कितना अच्छा आएगा। अभी से आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा, हम इसे पहले बताया था कि हमें चाशनी नहीं बनाई, तो हम इसे थोड़ी देर के लिए पकाना, उसके बाद इसमें सूजी डाल देंगे। तो जब हम इसमें सूजी डालेंगे तो हम एक बार भी नहीं डालेंगे, थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे और इसे हम फिर मीडियम फ्लेम पे चलाते रहेंगे। और इसी के साथ हम थोड़े से मगज डाल देंगे। यहाँ पर जो हमने हरी इलायची का पाउडर बनाया था उसको भी हमने डाल दिया, उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। उसके बाद इसे हम चलाते रहेंगे। तो यहाँ पर अभी हमने फ्लेम को चालू ही रखा है, बिल्कुल लो रखा है, उससे हम चलाएंगे ताकि पूरी हमारी सूजी भी पक जाएगी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं माशाल्लाह इसका कलर कितना अच्छा दिख रहा है। अभी इसे हम चला रहे हैं क्योंकि हमने फ्लेम बंद किया, लेकिन उसके बाद हम चलाते रहेंगे ताकि पूरी तरीके से मिला लें। उसके बाद इसे हम कवर कर देंगे ताकि इसे हम सेट करने के लिए 5 से 10 मिनट के लिए रख दें। उसके बाद क्या करेंगे ना, आप यहाँ पर देख सकते हैं ठंडा हो चुका है। अभी से हम लड्डू बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरीके से हमने गोल किया, इस तरीके से बहुत आसान से गोल कर सकते हैं। और हाथों में थोड़ा सा घी लगा लें, उससे बहुत अच्छा कलर आएगा और पूरे तरीके से गोल भी हो जाएगा। तो एक एक करके हम सारे लड्डू को गोल कर लेंगे। अब हम आपको वापस से बना के दिखाएंगे लड्डू हमने कैसे गोल किया है। जिस तरीके से हमने किया उस तरीके से आप भी बनाएंगे तो आपके भी लड्डू पूरी तरीके से गोल होंगे और कलर भी बहुत अच्छा आएगा और टेस्टी भी बहुत बनकर तैयार होंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे बेसन के लड्डू पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुके हैं। आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के सर्व करें। यूट्यूब चैनल फिरदौस किचन में आखिर तक जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। कमेंट में हमें जरूर बताएं हमारे मोतीचूर के लड्डू कैसे बने हैं। हम मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।